मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों से परेशान पुजारी ने मुख्यमंत्री से लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों तक मदद मांगी, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनी गई। मामला रायबरेली के जगपाल ताल में बने विष्णु मंदिर की जमीन का है। यह विष्णु मंदिर 175 वर्ष पुराना है और मंदिर में लगी 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। मंदिर के पुजारी बाबा जगदीश दास का कहना है कि उन्होंने कई बार जमीन की पैमाइश के लिए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पैमाइश नहीं कराई गई। हार कर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखकर पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब बाबा ने एक जन सूचना मांगी है, जिसमें उन्होंने वहां पर मौजूद जमीन की पैमाइश के बारे में जानकारी मांगी, तो राजस्व विभाग ने ये तो जानकारी दे दी कि जमीन का विवाद है, लेकिन अन्य जानकारी के बदले सूचना को निस्तारण होने की बात लिख दी। जबकि पुजारी का कहना है कि दबंगों द्वारा विवाद ना होता तो वो क्यों प्रशासन से मदद की गुहार लगाते। जबकि आज पड़ोस के जनपद में भी यही विष्णु जी भगवान का अकेला मंदिर है, लेकिन मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा परिचय है बाबा जगदीश दास और मैं भगवान विष्णु मंदिर का पुजारी हूँ। बाबा जी, ये मंदिर कब से स्थापित है? ये सम्मत 1901 का ये स्थापित है। कितने साल हो गए? मतलब ये 175 वर्ष हो चुके हैं और ये पूर्वजों ने बनाया था। इस जिले में कितने मंदिर विष्णु जी के हैं? ये रायबरेली जिले में मात्र एक विष्णु भगवान मंदिर है और इसके अलावा अगल बगल अन्य जनपदों में भी कोई विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है। और क्या विवाद है इस मंदिर का? इस मंदिर के से मिला हुआ एक जमीन है जिसका प्लाट नंबर 69/2 है, चक अख्तियारपुर जो है, ये उसमें 5 बीघा जमीन है मंदिर के। तो वो जो है कई लोगों ने, मुसलमानों ने भी कब्जा कर रखा है। आरा मशीन है वहाँ पर लगी उनकी और सब कब्जा किए हैं। हम पैमाइश के लिए बहुत बार वो एप्लीकेशन दिए, तहसील दिवस पर भी दिए हैं और मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। अच्छा, आपने एक जन सूचना डाली थी, हाँ, उसका क्या जवाब मिला है? जन सूचना अधिकार में दिया था तो उसमें जो है ये लिख के दिया गया, वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कोई क्लियर बात है नहीं उसमें। नहीं, क्या कहा है उसमें? कहते हैं केवल विवादित है। तो विवादित जमीन का तो आप निस्तारण चाहते हैं, तो सरकार से नहीं पूछे कि जो है आपके पास नहीं जाए तो कहाँ जाए? तो और तो हमारे कोई रास्ता है नहीं भगवान सरकार के अलावा, सरकार जो है सुन नहीं रही है। अच्छा, कितने साल से आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं? हम सन 2013 से शुरू किया इसमें तो, और 19 हो चुका है। अब तो लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मंदिर मस्जिद। उसके अलावा हम मुख्यमंत्री जी को भी, योगी जी को दे चुके हैं 3 एप्लीकेशन, फिर भी शिकायत सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं, वहाँ से भी नहीं हो पाई। तो इस तरह से जो है हम हताश हो रहे हैं और पुजारी आदमी हम कहां जाएं। रायबरेली से UP24 न्यूज़ के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।